हाँ जी सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो लाहौरी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल। जेकर तुहानू कहा जावे कि तुसी जहाज़ के अंदर बैठने की बजाय जहाज़ के टायरों में बैठ के बाहरली कंट्री में जाना है तो तुहाडा जवाब की होवेगा कि नहीं, यह किदां हो सकता है, इदां नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, कुछ अजिहा ही करके दिखाया है पंजाब के रहने वाले इस व्यक्ति ने, जिसकी फोटो तुसी स्क्रीन पर शो होंदी देख रहे हो। इस व्यक्ति ने दिल्ली तो लंडन तक जहाज़ के टायरों में सफ़र तय किया और यह सफ़र कितना खौफनाक सी तुहानू अगे पूरी वीडियो दसांगे। वीडियो काफ़ी इंट्रस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले सारे दर्शकों को बेनती है कि वीडियो को चलती चलती लाइक जरूर कर दो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल जरूर ऑन कर लो ताकि तुहानू साडियां आने वाली नवीं वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहन। आओ दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जिस व्यक्ति की तुसी फोटो देख रहे हो, इसका नाम है प्रदीप सैनी। इस दे छोटे भरा का नाम से विजय सैनी। अज तो 23 साल पहले दोवें भरा पंजाब च रहिंदे सी। प्रदीप एक कार मकैनिक का काम करता सी। इस कार मकैनिक के काम तो प्रदीप नूं बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं सी, क्योंकि प्रदीप सैनी चाहुंदा सी कि मैं किसी बाहरली कंट्री विच जावां अते खूब पैसा कमावां तां कि मैं अपने माँ बाप नूं अते अपने फैमिली नूं चंगी जिंदगी बतीत करा सकां। एक बार की गल है कि अक्तूबर 1996 विच प्रदीप रोजाना वांग कार ठीक कर रहा सी। ਤਾਂ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। बस इन्नी गल की देर सी कि अगले दिन दोवें भरा बस चढ़े अते पंजाब तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट ते पहुँचने तो बाद उन्होंने देखा कि एक जहाज़ तैयार है उड़ान भरन लई जिहड़ा कि लंडन नूं जा रहा सी। इस जहाज़ के टायरों में लुकन का तरीका दोहां दे दिमाग विच पहले ही सी अते हुण ओह इस काम नूं करन लई तैयार भी सी। उस वेले भाव कि अज तो 23-24 साल पहला एयरपोर्ट ते कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं सी हुंदी, जिस करके ओह बड़े ही आसानी दे नाल जहाज़ के टायरों में लुक गए अते उन्हां नूं किसे ने भी नहीं देखा। जहाज़ के टायरों में लुकन का मतलब यह नहीं कि वह जहाज़ के टायरों में ही वड़ गए सी, भाव कि जो टायर खुलते हैं तो उन्होंने विचकारला जिहड़ा हिस्सा हुंदा है दोवें भरा अलग अलग दोनों हिस्सों दे लेट गए। बस फिर की सी, यह जहाज़ अपने मिथे समय से उड़ान भरन लई तैयार सी अते उह दोवें भरा आपो अपनी जगह विच फसे हुए सी। ब्रिटिश एयरवेज का जोंबो जैट 74 अपनी 4000 मील की उड़ान भरन लई बिल्कुल तैयार सी। ज्यों ही राइट समा होया तां जहाज़ ने अपनी उड़ान भरी। बस इत्थों ही शुरू हुंदा है दोहां भरावां दी यात्रा का खौफनाक सफ़र। हवा में उड्डन तो बाद इस जहाज़ ने अपनी पूरी स्पीड फड़ ली सी। इस जहाज़ का शोर इन्ना कु ज़्यादा सी, इसका खड़का इन्ना कु ज़्यादा सी कि दोवें भरा आपस दे विच एक दूजे नाल कोई गलबात नहीं सी कर पाउंदे, क्योंकि ज़्यादा शोर होने करके एक दूजे नूं दोहां दी गल सुनाई नहीं सी दिंदी। जिवें जिवें समा बीतता जा रहा सी उवें उवें टैंपरेचर घटता जा रहा सी। आखिर वह समा आया कि टैंपरेचर -60 डिग्री ते पहुँच गया अते दोहां भरावां दे शरीर बिल्कुल सुन्न हो गए अते बिल्कुल नीले हो गए। उचाई ते पहुंचने नाल आक्सीजन की मात्रा हौली हौली घटनी शुरू हो गई अते दोहां भरावां दी हार्टबीट यानी कि धड़कन भी बिल्कुल स्लो हो गई। दोवें भरा बेशक टायरों में लुक के इंग्लैंड जा रहे सी, पर उन्हां दोहां नूं उड़ान तो पहला इस गल का जरा भी अंदाजा नहीं सी कि यह सफ़र उन्हां वास्ते कितना खौफनाक सिद्ध होगा। जहाज़ के उड़ान भरे नूं काफ़ी बीत चुके सी अते जहाज़ के शोर कारण दोहां भरावां दा दिमाग बिल्कुल पागल हुंदा जा रहा सी। हौली हौली आक्सीजन की मात्रा घटती जा रही सी अते दोहां भरावां दा शरीर जमा देने वाली ठंड करके सुन्न हो चुकिया सी अते नीला पै चुकिया सी। सानूं दस दिए कि अपने घरां च फ्रिजां च जमण वाली बर्फ बिल्कुल 0 डिग्री ते जमदी है अते जेकर बर्फ दा डाला आपां कुछ टाइम हथ ते रखिए तां अपना हथ सुन्न हो जांदा है, तां उह दोवें भरा तां 0 डिग्री तों वी -60 डिग्री दे तापमान विच सी, तां उहनां दी हालत की होई होवेगी इह तुसीं अंदाज़ा लगा ही सकदे हो। इन्ने मुश्किल हालातां दे चलदिआं प्रदीप सैणी दा छोटा भरा विजय सैणी सब कुछ सहन ना कर सकिया अते उसने अपने प्राण त्याग दित्ते। दिल्ली एयरपोर्ट तो लंडन एयरपोर्ट का टोटल समा लगभग 10 घंटे से, पर जदों विजय सैणी ने प्राण त्यागे तो हाले भी 4 घंटे का सफ़र लंडन पहुँचने में बाकी सी। बस फिर की सी, 4000 फुट की उचाई से उड़ता हुआ जहाज़ लंडन आ पहुँचा। लंडन पहुँचने तो बाद ज्यों ही जहाज़ ने लैंडिंग शुरू की तो जहाज़ के लैंड करद्या करद्या विजय सैणी जिहड़ा कि प्राण त्याग चुका सी उह जहाज़ तो थले चढ़ गया अते उस टाइम जहाज़ की उचाई लगभग 2000 फुट तो भी ज़्यादा सी। हौली हौली लैंड करद्या आखिरकार यह जहाज़ एयरपोर्ट के रनवे ते जा पहुँचा। रनवे ते पहुँचदे ही एयरपोर्ट के अधिकारी की निगाह प्रदीप सैणी ते पई जिहड़ा कि टायरों विचकार बेहोशी की हालत में पिया सी। जहाज़ के रुकन तो बाद प्रदीप सैणी नूं टायरों चों कढ़िया गया, पर उस समय प्रदीप सैणी का बिल्कुल बुरा हाल हो चुकिया सी अते उसनूं तुरंत एंबूलेंस विच पा के हॉस्पिटल ले जाया गया अते उसका ट्रीटमेंट किया गया।
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖ।